माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं अभी बैठा हुआ शिव पुराण पढ़ रहा था तो मैंने सोचा इसमें कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य मुझे जो मालूम है वो क्यों ना आपको बताऊं। और सच में सच मानिए कि जब शिव पुराण का विधिवत अध्ययन किया जाता है या जब शिव जी की पूजा की जाती है, साधना ध्यान किया जाता है, तब बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति होती है। मैं आज आपको तीन बातें बताता हूँ। एक तो शिवलिंगों की संख्या के बारे में, यानी किस परेशानी में शिवलिंग में कितने शिवलिंगों से पूजा होनी चाहिए जो शिव पुराण में कहा गया, मैं उसके आधार पर बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि भस्म का क्या आपके जीवन में उपयोग है और आप भस्म का प्रयोग कैसे करेंगे। और तीसरी चीज जो मुझे यहाँ मिला, लिंग पूजन की विधि मुझे बताने की इच्छा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों बातों को आप अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ आपके बच्चे की स्किन को खिला खिला रखने की। तो चलिए बातचीत शुरू करें। मैं इसमें आपको 21वें अध्याय की वो कथा सुना रहा हूँ जिसमें सूत जी महर्षियों को कुछ समझा रहे हैं। तो वह बात मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से सुन लें, समझ लें, काम आने वाली बात है। इस बात के मैंने अनुपम प्रयोग किए हैं, अनेक बार किए हैं और हर बार उन्होंने मनुष्य को सफलता दी है। ये रहस्य हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो सूत जी तीन प्रकार के शिवलिंगों के बारे में बता रहे हैं। सूत जी महर्षियों से कहते हैं तीन प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक तो उत्तम शिवलिंग होता है, एक मध्यम शिवलिंग होता है और एक अधम शिवलिंग होता है। देखिए हम घरों में किसी भी प्रकार का शिवलिंग बना लेते हैं लेकिन वह सही नहीं है। अब सूत जी, सूत जानते हैं ना, महर्षि है, तो सूत जी क्या कह रहे हैं, जो चार उंगल से ऊपर होता है शिवलिंग वो होता है उत्तम शिवलिंग। ऐसे देखिए ना, चार उंगल ये हैं, ऐसे करके नाप लीजिए आप। चार उंगल से ऊंचा अगर कोई शिवलिंग है तो यह तो हो गया, और वेदी से ये युक्त तो होना चाहिए, यानी वो पूरी वेदी से बना हुआ हो, चार उंगल से ऊपर हो तो यह उत्तम होता है। और सूत जी इसमें एक विशेष शब्द जोड़ रहे हैं, वो शब्द क्या, सुंदर। चार उंगल से ऊंचा हो शिवलिंग, वेदी से युक्त हो, सुंदर हो, इसे कहते हैं उत्तम। यही शिवलिंग तेजी से और अधिक फलदायी होता है। दूसरा होता है मध्यम। मध्यम कैसे होता है, जो चार उंगल से छोटा होता है और जो बहुत छोटा सा शिवलिंग होता है और वेदी से युक्त नहीं होता है वह अधम शिवलिंग होता है और उसकी उपासना नहीं होती है, या अगर कोई उसकी उपासना करता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अब ये मत कहिएगा कि फल बुरा मिलता है, अच्छा मिलता है, ये नहीं है, फल प्राप्त नहीं होता है। या बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये छीन लेते हैं, वो छीन, भगवान को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो घर में आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं लेकिन उत्तम शिवलिंग ही होना चाहिए, नहीं तो मध्यम से काम चल जाएगा लेकिन अधम शिवलिंग कभी नहीं होना चाहिए। सूत जी एक बात और कहते हैं, वो फटाफट आप सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं बुद्धि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें, धन की प्राप्ति के लिए 1500 शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें, उत्तम प्रकार के वस्त्र और सुविधाओं की प्राप्ति के लिए 500 शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। कभी जीवन में तो ईश्वर ना करे कि बुद्धि की, विद्या की, धन धान्य की बहुत कमी हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आए तो इस प्रकार से इतने शिवलिंग आप स्वयं बनाकर उसकी पूजा करें और ये शिवलिंग अधम ना हो, मध्यम अथवा उत्तम। अभी बात अधूरी है, अभी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, ये अद्भुत जानकारी है। और शिव की पूजा बड़ी अद्भुत होती है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले लेकिन टकटकी लगा के बैठे हैं, तो पहले इनकी बात करें और उसके बाद फिर मैं शिव पुराण की कोई दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ याद रखिएगा आपके बच्चे के लिए एक बड़ा विशेष गुरु मंत्र है मेरे पास।
मेष राशि, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। यदि आपने क्रोध नहीं किया इस दिन, सब लोगों से बहुत अच्छे से सरलता से बोले, तो निश्चित रूप से यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन माता की सेहत को लेकर कुछ चिंता बन सकती है, परेशानी बन सकती है, हो सकता है कि आपका उनका कोई मतभेद भी हो जाए, लेकिन ये करिएगा नहीं। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत सावधानी रखनी है, साथ साथ कोई दोस्त है या पार्टनर है तो उसको लेकर आपको बहुत सावधान रहना है, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। उपाय, इस दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको सफेद वस्त्र अवश्य पहनने होंगे, बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यदि विवाह संबंधी कोई बातचीत चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है, बाकी यह दिन धन के लिए भी अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा है और आप अपना अच्छा प्रभाव इस दिन समाज पर छोड़ पाएंगे। विद्यार्थियों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा उनकी एकाग्रता भंग होने के कारण उनके इस दिन में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, बहुत केयरफुल रहकर चलना होगा। स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन स्वास्थ्य को बहुत अच्छा नहीं रखेगा और साथ ही साथ किसी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है या आपके घर से कोई रिश्तेदार थोड़ा नाराज या दुखी होकर जा सकता है, जो अच्छा नहीं होगा। सावधानी, ये दिन अच्छा गुजरे इसके लिए आपको एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है और इस दिन की सावधानी, आप तेजी से भागे दौड़े नहीं या वाहन बहुत सोच समझकर चलाइएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। उपाय, ये दिन सब ठीक ठाक तरीके से गुजरे उसके लिए आप ओम रुद्राय नमः अभी बैठिए और कम से कम 108 बार ओम रुद्राय नमः इस तरीके से गहन श्वास के साथ ध्यान करके चुप करके फिर काम पर जुटिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, ये दिन आपकी दोस्ती को बढ़ाने वाला है, ये दिन आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ इस दिन आपको कोई रुका हुआ कार्य या कोई कार्य परेशान कर रहा है तो वह हल हो जाएगा। हाँ, पढ़ाई के लिए ये दिन कुछ खास है, इस दिन बनाए गए नोट्स आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे, तो इस दिन टट के पढ़िएगा और कोई कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आ रहा था तो इस दिन उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा होगा। सावधानी, इस दिन आपको पेट आंख और कमर से संबंधित सावधानियां रखनी होंगी। उपाय, दिन अच्छा सा बीते, आपको कोई रोग ना पकड़े उसके लिए हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, किसी को भी कर दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, दिन थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, खासतौर से धन और प्रतिष्ठा के मामले में। यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई भाषण देने जा रहे हैं, लोगों के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं तो आपको अपनी भाषा पर, भाषण पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। मित्रों की दृष्टि से भी यह दिन कमजोर है, जिन लोगों से आप कुछ अपेक्षाएं करेंगे वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। सावधानी, इस दिन की सिर्फ एक सावधानी है कि आप बहुत ज्यादा भावुक ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए उसके लिए आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। गुरु मंत्र में मुझे आपको ये तो बताना ही है कि सर्दियों के इस मौसम में कैसे आप अपने बच्चे की त्वचा को खिला खिला रखेंगी या बच्चे कैसे अपनी त्वचा को एकदम अच्छा रखेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि शिव पुराण, शिव जी की पूजा में कैसे बैठा जाए इसके बारे में क्या बताता है। देखिए, सूत जी पूजा सिखा रहे हैं, मां ऋषियों को वह पूजा सिखा रहे हैं, आप भी जब आप ये पूजा करें तो सूत जी के अनुसार कीजिएगा। शिव जी की पूजा या किसी भी देवता की पूजा कभी भी आप कर सकते हैं, शिव जी की पूजा रात्रि में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी खासतौर से मानुषीत काल में यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं तो उसके तो अद्भुत फल मिलते हैं। लेकिन 21वां अध्याय में सूत जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। यानी आप रात में यदि शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उत्तर में ही मुंह करके पूजा कीजिएगा। अब मान लीजिए आप कहते कि नहीं, हमारे शिव जी तो पूर्व में है, हम कैसे करें, तब भी ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का या मृत संजीवनी किसी का भी पाठ करते हैं, मुंह उत्तर में कर लीजिएगा। वैसे भी शिवलिंग की पूजा में संध्या के उपरांत, सूर्यास्त के उपरांत जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप जानते ही, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप वह पूजा कर सकते हैं, लेकिन दिन में कैसे बैठें, दिन में कैसे पूजा करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवजी की हम पूजा कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे और उनके ओज को हमने बाधित कर दिया जो हम तक पहुंच ही नहीं रहा। तो शिवजी की पूजा में दिन में बैठना
किस दिशा में मुंह करके है ये आपको मुझे बताना है। यह बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि के आज के दिन का हाल। उसके बाद बताऊंगा कि आप शिवलिंग की पूजा करते समय किस ओर मुंह करके बैठे अथवा ना बैठे और बच्चे की त्वचा कैसे खिली खिली रखी जाए इस सर्द माहौल में, जिससे वो आकर्षक स्मार्ट बना रहे, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। लेकिन सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का हाल जानिए फटाफट। सिंह राशि, इस दिन को मैं बहुत ध्यान से चलने के लिए कहूंगा। क्या ध्यान रखना है? वाहन तेज गति से नहीं चलाना है, भागते दौड़ते समय जोश के साथ होश बना के रखने हैं, बहन भाइयों के साथ संबंधों को अच्छा बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको अपने गले से ऊपर के हिस्से के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि ये दिन खराब है, क्योंकि भाग्य पक्ष साथ दे रहा है। अब ये चीजें करके मस्ती से अपने भाग्य को बढ़ाने में जुट जाइए। आज आपके कुछ कार्य बन सकते हैं, किसी दोस्त से किसी या रिश्तेदार से आज आपकी बात या भेंट हो सकती है। कुल मिला के ये दिन सुख देने वाला है, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। सावधानी लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आज आप किसी से बात करें तो आपका मन होगा बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बात करना। अरे बच्चों की भाषा में जैसे कहते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ना, ये मत कीजिएगा। ये आप पर भारी पड़ेंगी, आपकी प्रतिष्ठा की, आपके सम्मान धन की भी हानि करा सकती है। उपाय, इस दिन को सफल बनाने के लिए आप उड़द की दाल और चावल का दान अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि, आज का दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए दिन कुछ अच्छा हो सकता है। उन लोगों को लाभ के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन आपका क्रोध आपका भारी नुकसान कर सकता है और साथ ही साथ अपने अपने भाई और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लाल मिर्च का दान जरूर करिएगा। तुला राशि, यह दिन अच्छा है, आपको सद्बुद्धि देगा। दोपहर से रात का समय ऐसा है जब आप बहुत शांत भाव से कुछ सोच के कार्य करेंगे तो आप वह कार्य अच्छे से कर पाएंगे और उस कार्य को करने की वजह से आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। यह दिन घर के संबंधों को मजबूत करने वाला है, सावधानी। इस दिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अच्छे से सोच विचार के तब अपनी बात कह के कोई निर्णय लीजिएगा, लाभ होगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको पकी हुई सब्जी और किसी अनाज का दान अवश्य करना चाहिए, यह दिन सफलता देगा। वृश्चिक राशि, आप अपने गले से ऊपर के अंगों का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से सर और आंख का, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। यात्राओं के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई यात्रा इस दिन आपको करनी पड़े या किसी यात्रा का संकेत या बुलावा आपको मिले। कुल मिला के दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला है। बस एक सावधानी, इस दिन वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना और साथ ही साथ जब आप माँ मौसी और मामा जी से बातचीत करें तो अपनी भाषा और क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो मतभेद हो जाएंगे। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए आपको नट्स होते हैं या बादाम, आपके यहाँ 5 बादाम का दान कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब देखिए होता क्या है कि हम देवता की पूजा करते हैं और देवता की पूजा करते समय एक निश्चित दिशा होती है जिसमें हमें बैठना होता है अथवा नहीं बैठना होता है, हमें वो मालूम नहीं होता, इसलिए कहीं गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है? देवता रुष्ट रुष्ट नहीं होते हैं, अरे शिव जी कैसे रुष्ट हो जाएंगे? कोई राक्षस होगा तभी तो शिव रुष्ट होंगे, रुष्ट तो नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम किसी काम में कर या किसी फल की इच्छा से वह पूजा कर रहे हैं तो वह फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको शिव जी की पूजा करते समय अपना मुंह कहाँ रखना है, सूत जी उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सूत जी महर्षियों को समझाते हुए कहते हैं, जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। देखिए 21वें अध्याय में ये सूत जी, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है शिव जी की पूजा करने का, सबसे प्रामाणिक तरीका है, इसलिए इसे समझ लीजिए। पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस प्रकार से आप बैठे, मैं इसको पुनः पढ़ू,
जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं बैठिएगा, क्योंकि ये कहते हैं भगवान शिव के सामने हुए दिशा पड़ती है और इस देव का सामना नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं फिर नहीं मिलती, आशीर्वाद फिर नहीं मिलता, संदेश हमारे भाव का संदेश फिर वहां पहुंचता नहीं। एक और चीज, उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है, इसमें लिखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे पढ़ने में आई जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, और वो ये है, पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाग है, पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाग है, इसलिए पूजा पीछे नहीं की जा सकती, पीठ की पूजा नहीं होती है, ठीक। इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। बच्चों की त्वचा ऐसी रहे कि उनका आकर्षण खो ना जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक से लौटने के बाद। और हाँ, भस्म की जगह क्या इस्तेमाल होता है ये जरूर जान लीजिएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब ये भस्म वाली बात समझने की आवश्यकता है कि भोले बाबा की पूजा भी बड़ी भोले भाली तरीके से ही होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा विधिविधान की आवश्यकता नहीं, लेकिन भस्म लगाकर पूजा करने का एक बड़ा अलग आनंद भी है और विधान भी है। तो भस्म की बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल, फिर भस्म की बात मैं आपको बताऊंगा, और भस्म ना मिले तो क्या करना है यह मैं आपको बताऊंगा। सूत जी की वाणी में ये सारी बातें हैं, किसमें अध्याय में जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। धनु राशि, दिन आपका भाग्य बढ़ाने वाला तो है, लेकिन भाग्य धीरे 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 चलेगा, कैसे, जैसे स्पीड ब्रेकर पर आप अपना वाहन चलाते हैं। लेकिन निराश मत होइएगा, क्योंकि किसी भी क्षण कोई कार्य बन सकता है, किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से आज आपकी भेंट या बातचीत हो सकती है जो आपको सुख और लाभ प्रदान करेगी। सावधानी, इस दिन जो आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी है वो रखनी अपने स्वास्थ्य की। जिन लोगों को गले, सांस और पेट की दिक्कतें रहती हैं वो थोड़ा अलर्ट होकर चले, स्वास्थ्य के बेहतरी के संकेत इस दिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। उपाय, ये दिन आपका काम जल्दी जल्दी बनवावे और आपको बीमार ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों को लोगों को खिलाना है, तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लाभ को कम करेगा और आपके समक्ष परेशानियां उत्पन्न करेगा, अगर आप ढंग से नहीं चले तो दिक्कत होगी। खास तौर से जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जिन लोगों को लोगों से मिलकर अपना काम करना होता है, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करनी होती है या पब्लिक डीलिंग करनी होती है, उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो, वह इस दिन विशेष ध्यान रखें। वैसे यह दिन अचानक कोई अच्छी खबर दे सकता है, तरक्की के लिए दिन बुरा नहीं कहा जा सकता। बस एक सावधानी अवश्य रखिएगा, वो ये है कि आपके सीनियर्स या आपके बॉस, आपके ऑफिसर अगर किसी बात को कहें तो एकदम इनकार मत कीजिएगा, नहीं तो विवाद हो सकता है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आज चावल और चीनी का दान करना है आपने किसी गरीब को, करके मस्त हो जाइए, बाकी प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। कुंभ राशि, ऐसा तो नहीं है कि आज काम नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा भी है कि आज काम बाधाओं के साथ बनेंगे, कुछ नुकसान के साथ बनेंगे, हो सकता है आपको कोई दुख हो या हो सकता है आपका धन निरर्थक खर्च हो जाए या आपको बिना मतलब यात्रा करनी पड़ जाए, चलना फिरना पड़ जाए, दौड़ भाग निरर्थक हो, लेकिन पूरी तरह निरर्थक नहीं होगी, आपको लगेगा लेकिन वो निरर्थक होगी नहीं, उससे काम बनेगा जरूर, नोट करके रख लीजिएगा कहीं ये बात। बस एक सावधानी बरते, इस दिन तेज आवाज में या गुस्से से किसी से बात मत कीजिएगा और किसी पे अनावश्यक शक मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। उपाय, ये दिन आपके लिए कुछ बढ़िया लेके आए, इसके लिए आपको हरी सब्जियों का दान कर देना चाहिए। मीन राशि, इधर तो स्वास्थ्य और उधर शत्रु, ये आज आपको परेशान करेंगे और ये शत्रु आपके बिल्कुल अगल बगल का भी हो सकता है, आपका कोई खास मित्र हो सकता है, पास पड़ोसी हो सकता है, आपके कोई इधर उधर सीट पर बैठने वाला सहकर्मी भी हो सकता है, बस इसका ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। सावधानी, इस दिन आपको प्रतिक्रिया एकदम नहीं करनी है,
ये ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ बात आपको पता भी चलनी है तो एक बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा आराम से, उसके बाद सोचकर फिर अपनी प्रतिक्रिया कीजिएगा, प्रतिक्रिया एकदम सही होगी। उपाय, जल का दान करना है और जल पिलाना है लोगों को, बस बाकी तो वो सब ठीक करेंगे। और आप चाहे तो आज ओम नमः शिवाय कर लीजिएगा 51 बार, फिर काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। और अब गुरु मंत्र। देखिए सूत जी पूजा करने का तरीका बताते हैं और यही प्रामाणिक तरीका है। शिव जी के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। त्रिपुंड क्या? अब बात आई, बच्चों की त्वचा यदि मलिन हो रही है तो बच्चा आकर्षण खो देगा, और खासतौर से सर्दियों में, तो आपको क्या करना है? पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको बच्चों को जल पिलाते रहना, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक कप करके जल पिलाते रहिए। सर्दियों में बच्चे जल बहुत कम पीते हैं, उससे बॉडी डिहाइड्रेट होती है और नुकसान होता है। दूसरी चीज, जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, बड़े भी कर सकते हैं, जिस दिन छुट्टी हो या जिस दिन आप पे वक्त हो, संतरे के छिलके सुखा दीजिएगा, उसे कूट कर पीस लीजिएगा और उसे आप दूध में मिलाकर शरीर पर लगा के थोड़ी देर बैठ लीजिएगा, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ कर दीजिए, त्वचा खिली खिली रहेगी, आयुष्मान लगोगे। अच्छा अब हम चलते हैं, आप पूजा कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, कल्पना भेंट होगी। चलो राम राम, नमस्कार।